हेलो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात आपसे हो रही है। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, लेकिन उससे भी पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री है टकला बाबा, उसको प्रणाम, सॉरी चप्पल खोल के प्रणाम। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आज 6 महीना से हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कैसा आ रहा है इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। कभी आकर बोलते थे कि आपकी बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी, शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी, बीपीएससी जो आयोग है उसके द्वारा परीक्षा ली जाएगी। फिर कभी बोलते थे कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बताया जा रहा है कि 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, जब लाखों नौकरी होनी है तो महीनों लग सकते हैं विज्ञप्ति आने में। आज महीनों महीनों करते 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 फाइनली आज जो एक बयान आया है, आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया कि फरवरी माह में जो नियमावली है वह पब्लिश कर दिया जाएगा, यद जो 2023 है वह नियुक्तियों का वर्ष होगा, ऐसा अभी भी बोल रहे हैं और इससे पहले भी बोलते आए हैं। लेकिन क्या करें, मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं हम लोग के पास। क्या उन्होंने चर्चा किया, आज हम सबको इंक्लूड किए हैं। हालांकि यह न्यूज़ कल के अखबार में और जो एक वीडियो था उसके द्वारा बताया गया था, हम आपको समय से नहीं बता रहे हैं, इसके लिए खेद है, क्योंकि थोड़ी सी कुछ उलझन के कारण हम समय में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फिर भी आपको हम सटीक जानकारी देंगे, एक दिन लेट से ही, लेकिन आपको सही मिलेगा। आज के बाद हम अपडेट रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो हमसे हमेशा जुड़े रहें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पल पल का मिलते रहे। चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं जो शिक्षा मंत्री है टकला बाबा, हम बिल्कुल इसका अपना देंगे, इसका जो बयान आया था जो आपके सामने में लिखा गया है। हालांकि यह कॉमन बात है, यह सभी को पता था, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि बहुत सारा कमेंट आ रहा था। हमने पढ़ा कि सर जो अभी क्राइटेरिया है कट ऑफ कितना आ जाएगा, तो इसके लिए अभी आप ज्यादा क्या बोलते हैं उसको उथल पुथल नहीं मचाएं, क्योंकि आपको पता होगा अभी एक सीटेट की एग्जाम हुई है, इसका रिजल्ट आने के बाद ही आपको एग्जैक्ट हम डाटा दे पाएंगे कि आखिर कितना हाई तक कट ऑफ जा सकता है। फिर भी इसके लिए हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, आपकी अगर मांग है तो हम जरूर मेहनत करेंगे इस पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए जो टकला बाबा है इसके द्वारा बताया गया था कल के अखबार में या उससे पहले एक वीडियो में कि नियमावली जो है आपका फरवरी मंथ में आ जाएगा। अब फरवरी में नियमावली आएगा, बस बताए हैं, इससे पहले बहुत बात बताए हैं लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है मानना, समझते हैं। आगे देखिए, इसके अलावा बताया गया कि 9000 जो नियोजन इकाई थी जिसके द्वारा बहाली प्रक्रिया चलती थी 6ठे चरण में, उससे पहले भी हुई थी, उसको हटाकर 33 नियोजन इकाई का निर्माण किया जाएगा। इसमें आपको बता दें, इसमें आयोग का गठन किया जाएगा जो कि प्रत्येक जिला में एक एक नियोजन इकाई होगा, अड़तीस नियोजन इकाई होगी प्रत्येक जिला में एक एक। उसके बाद बताया गया कि पंचायत प्रखंड जो मुखिया प्रमुख उपमुखिया जितने सारे इसमें इन्वॉल्व थे भाली करने में, उसको हटा दिया जाएगा और सारा का सारा काम इस आयोग के जो अधिकारी होंगे उसको सौंपा जाएगा। हालांकि यह ठीक है, लेकिन जो नियमावली है जो पब्लिश कब की जाती है हम इस पे अभी भी विश्वास नहीं करते हैं साथियों। इसके लिए हमारे साथी के द्वारा जो है एक आंदोलन का डेडलाइन जारी किया गया है, लेकिन इस पे पूरा तरह से भी मंथन चल रहा है कि 9, 10, 11 फरवरी को आंदोलन किया जाएगा पटना के गर्दनीबाग में, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। जैसे ही यह बात पूरा तय हो जाता है हम आपको बताएंगे, और आप सभी लोग चलिएगा जो इस बार सीटेट क्वालिफाई किए हैं, सॉरी किए अभी रिजल्ट आया नहीं है, हालांकि एग्जाम दिए होंगे तो पता चल गया होगा, वे भी और हमारे जो पुराने साथी हैं वो भी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बहाली में अब अगर लेट लगती है तो 2023 पूरा है ना टल जाएगा।
तो इसके लिए आपको और हमको मेहनत करना होगा। मेहनत क्या, आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बहाली है ना सवेरे सकाल आ जाएगी। कब आएगी, हम इसको भी इंक्लूड किए इसमें। इससे पहले आपको बात करेंगे जो नियुक्ति होने का जो प्रोसेस है, पुराने वाले नियमावली में जो था उससे थोड़ा सा हटकर, जिस पे मोहर नहीं लगा है, ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज होगा, सुन सुन के कान पक गया है ना, 60-40 होगा है ना। उसमें जो शिक्षा मंत्री का बयान आया था उसमें 60-40 का जिक्र नहीं किया गया। उसमें बताया गया कि आपका जो पात्रता परीक्षा हुई है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके आधार पर और आपका जो एकेडमिक है उसके आधार पर। इसमें उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि इसका कितना परसेंटेज किसका लिया जाएगा और एकेडमिक का कितना लिया जाएगा, वो तो आपको नियमावली में देखने को मिलेगी। लेकिन आपको पता होगा कि नियमावली का चर्चा जब हो रहा था तो संदीप सौरभ जो विधायक है उनके द्वारा बताया गया, आपका नियमावली में जो है मेरिट निर्माण करने का प्रक्रिया का जिक्र नहीं होगा, इसका जिक्र होगा आपको विज्ञप्ति में। तो कहां तक क्या सत्य है, जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं आ जाती है तब तक हम कैसे विश्वास कर लेंगे, इसके लिए हमको संघर्ष करना होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि टोटल यहां पे जो सीट है उसका भी एक आंकड़ा दिया गया था, 2 लाख के करीब था है ना। इसमें देखिए 11th और 12th में उसमें 89,734, फिर 19th में 44,193, फिर 1-8 में 80,257। टोटल अगर गणना करें तो 2 लाख के करीब है ना, 2,14,184 के करीब आपका टोटल जो वैकेंसी है वो काउंट देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फरवरी अभी चल रही है और दिन गुजरने में ज्यादा समय नहीं लगता है, सभी लोग जानते हैं। देखिए फरवरी में अगर नियमावली आती है तो हम लोग का एक ही हमेशा मांग होगा कि आप नियमावली अगर फरवरी में पब्लिश कर देते हैं तो आपने बहुत दिनों से जो समय है वो टाला है। आप मार्च के प्रथम सप्ताह में या मार्च स्टार्ट होते ही आप जो विज्ञप्ति है वो पब्लिश कर दीजिए। सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लाइन कट गया है ना, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं, आप थोड़ा सा बने रहिएगा। देखिए इसके अलावा आपको हम एक एक्स्ट्रा डिटेल बताएंगे, आपके पास वैसे खबर गया होगा कि STET का जो डमी एडमिट कार्ड है, आपको पता होगा एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है जो वाणिज्य विषय कॉमर्स के लिए होगी, 11th-12th के लिए ओनली, उसका डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं है ना, वह वेबसाइट पर जाकर 13 फरवरी तक आप इसमें कलेक्शन कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी डिटेल्स फिलअप करने में मिस हुआ हो तो आप चेक कर लीजिए। और जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, जो एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड होगा, वो आपको 24/3/2023 मतलब 24 मार्च है ना 23 में आपका है ना पब्लिश कर दिया जाएगा क्या एडमिट कार्ड। और इसका जो एग्जाम होगा वह 6/4/2023 6 अप्रैल 2023 से 24 है ना 4/2023 तक, क्योंकि यह जो एग्जाम है सभी को पता होगा पिछले टाइम भी ऑनलाइन हुआ था, अभी भी ऑनलाइन होगी, इसी कारण समय लगेगा। अब कुछ अभ्यर्थी का ऐसा मानना होगा कि अभी जो STET का एग्जाम चल रहा है इसके बाद ही बहाली है ना, नियमावली आएगी, सॉरी नियमावली नहीं विज्ञप्ति, तो विज्ञप्ति पब्लिश करने में कोई भी सरकार को उलझन नहीं होना चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति में तो बस एक डेडलाइन मेंशन किया गया रहता है कि आपका कौन सा चीज किस तारीख से प्रारंभ होगा, कब खत्म हो जाएगा, तो इससे अभ्यर्थी संतुष्ट हो पाएंगे कि आखिर कब से हमारी जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो पाएगी। माफ कीजिएगा अभी लाइन थोड़ी सी कट गई है, तो इसके लिए हम आज की वीडियो को यहीं पे हम अंत करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट कोई भी डिटेल्स के साथ है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अभी तक बने तो।